हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बेल का शरबत, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी होता है। गर्मियों में खास कर ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक बेल लिया है और इसको मैंने मार्केट से ही मैं तुड़वा कर लाई हूँ। तुड़वा के लाने से मार्केट से हमें ये फायदा होता है कि हम अंदर से पता चल जाता है कि ये बेल बिल्कुल अच्छा पीले रंग का है या नहीं। जो बहुत अच्छा येलो रंग का बेल होता है उसका शरबत बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए अब इसके ऊपर के हार्ड पार्ट को हम निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसके जो हार्ड पार्ट है उसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी लिया है और 2 ग्लास पानी में इसका जो अंदर का बेल के अंदर का सॉफ्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम स्कूप करके निकाल के पानी में भिगो देंगे। तो ये इस तरह से बेल के अंदर का जो गुदा है वो हमें निकाल लेना है। एक बेल में आप 2 से 3 ग्लास आराम से बना सकते हो और अगर बड़े साइज का बेल है तो आप 4 से 5 ग्लास शरबत बना सकते हो। तो अब इसे मैं करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ूंगी। तो इस तरह से हमें पहले हाथ से तोड़ देना है ताकि ये अच्छे से भीग जाए बेल। अब इसमें हमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल लेना है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की या कोई इस तरह की शुगर की प्रॉब्लम है तो आप चीनी ना भी डालो तो भी चलता है, बिकॉज जो बेल है ये अपने आप में ही हल्का मीठा होता है टेस्ट में। लेकिन अगर आपको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो हल्की सी चीनी ज़रूर डालें ताकि इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब इसे मैं 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो ये हमारे करीब 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं और देखिए शरबत का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही ब्राइट येलो कलर का आया है। अच्छी तरह से जो चीनी है वो हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी ऑलरेडी इसमें डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर आधा नींबू मैं डाल रही हूँ। नींबू इसके अंदर जरूर डालें, नींबू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टैंगी सा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा। तो ये आधा नींबू मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बस इसे हम एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम दूसरे बर्तन में चन्नी लगाकर छान लेंगे। जब इसे हम छानेंगे तो इसके पल्प को बहुत ज्यादा हमें मैश नहीं करना है, क्योंकि अगर इसके पल्प को हम ज्यादा मैश करेंगे तो हमारा जो ये शरबत है ये खारा हो जाएगा। तो बहुत हल्के हाथ से ये जो पल्प है इसको बहुत हल्के हाथ से हमें साइड करते हुए रस को निकाल लेना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है शरबत का, बहुत ही ब्राइट येलो कलर का और साथ ही बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है बेल की। तो बस इसके अंदर हम बर्फ डालेंगे और इसे ठंडा ठंडा चिल बिल्कुल सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।